हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप की हार्ड डिस्क के बैड सेक्टर्स को कैसे रिपेयर करेंगे। जितने भी लॉजिकल फाइल सिस्टम्स होते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती है यानी बैड सेक्टर्स में, तो आपकी हार्ड ड्राइव की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा डाउन भी हो जाती है और अच्छे से वर्क भी नहीं करती है। कनेक्ट डिस्कनेक्ट कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हमें इस एरर को जो है फिक्स करना है। सबसे पहले तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट रन हो जाए तो यहाँ पे जो है आपको सिंपल सी एक कमांड डालनी है, chkdsk स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे आपको लिखना है F, ठीक है। जैसे आप इसको लिख के एंटर मारेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो है आपको रिस्टार्ट के लिए बोलेगा कि जब भी आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा अगली बार तो ये जो है बूट टाइम पे जो है इसको स्कैन करके रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये परमिशन मांग रहा है आपसे, तो आपको यहाँ पे कर देना है यस, के लिए वाई प्रेस कर देना और एंटर कर देना है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे कंप्यूटर को कर देना है रीस्टार्ट। तो इसके लिए कमांड है chutdown स्पेस माइनस आर, आपको इस कमांड को एंटर करना है और जो है आपका कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट होने के बाद इसके बैक सेक्टर को रिपेयर करेगा। तो चलिए अब स्विच करते हैं मोबाइल व्यू पे। रिस्टार्ट कमांड डालने के बाद जो है आपका कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट मोड में आ जाएगा। जैसे कि आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा तो उसके बाद बूटिंग मेन्यू में आपका कंप्यूटर जो है आपकी सी ड्राइव के जितने भी बैक सेक्टर है उसको रिपेयर करेगा। जैसा कि आप इस टाइम स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्कैनिंग एंड रिपेयरिंग ड्राइव सी, जितने भी लॉजिकल फंक्शंस एरर हैं या लॉजिकल जितने भी एरर्स हैं बैड सेक्टर में आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर, वो सारे के सारे जो है रिपेयर हो जाएंगे बैड सेक्टर। इसके बाद जो है एक बार आपका कंप्यूटर जो है दोबारा से रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपका कंप्यूटर जो है जब लॉगिन हो जाएगा तो आप खुद ही देखेंगे कि 100% प्रोसेस होने के बाद आपका कंप्यूटर जो है पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा चल रहा है और सारी की सारी एरर जो है फिक्स हो जाएगी।